मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की ज़रूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है, उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा, तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें, या फिर सोच समझ करके बोलें। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। वो लिख करके दे दें, कौन से फायदा हो रहा है, वो कौन है चीज, फिर तुम शुरू हो गए। मैं आपसे, अरे भाई, जिसको हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही, जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई हैं, आप जरा व्यक्तिगत उनसे बात करना। मैंने उनसे ये कहा कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं महिला, आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन उनकी इच्छा समाजवादी पार्टी से नहीं थी, बीजेपी से थी। लेकिन जो बात मैं सोच रहा था, वो बात हकीकत में आई। पहली महिला जो मेयर बनी है शाहजहांपुर की, वो वही है जो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई थी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं, कम से कम एक बात सही रही कि हमने उन्हें मेयर बना दिया। हम नहीं बना पाए, लेकिन बीजेपी ने बना दिया। तो आधा मन तो समाजवादी पार्टी के प्रति भी होगा, या कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी उनका गुजरा है। लेकिन ये जो कूड़े वाली बात है, ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है। जो 9 बार विधायक रहा हो, वित्त विभाग पर पूरा कब्जा हो जिसका, और तरह तरह की बात सदन में स्वच्छ भारत पे लंबे लंबे भाषण देते हो, सबको झाड़ू पकड़ाया हो। आपके यहाँ भी झाड़ू किसी ना किसी ने पकड़ा होगा, बताओ किसने पकड़ा था? अरे बताते क्यों नहीं हो? नहीं, किसने पकड़ा था झाड़ू? नहीं, मंत्री वंत्री किसी ने पकड़ा था? विधायक वगैरह ने पकड़ा था? तो समझ लीजिए आप, महापौर के हस्बैंड ने पकड़ा। हाँ, तो किसी ने पकड़ा होगा ना झाड़ू बीजेपी के। 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर एक सवाल है कि आजम जिस तरह से सर वादा खिलाफी हुई है मध्य प्रदेश में, तो क्या उस बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज्ड है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है, कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी, तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए,
और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इससे समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इटिया गठबंधन अब मुझे पता लगा है मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूज़न के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे बात करेंगे। सर क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी आलोचना कर रहा है, तेलंगाना हो वहाँ पे भी लोग विरोध कर रहे हैं, सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। नहीं तो वो तो आप जानकारी कर लें कि बीजेपी को हराने के लिए, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा, सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है वो कैसे होगा कामयाब। कास्ट सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है, कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा विपक्ष का था, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में, और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ, क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। नहीं मेट्रो नहीं है, वो आरटीएस है, बड़ी वाली ट्रेन। बीजेपी से नहीं किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है, बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है, वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहाँपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहाँपुर में, या दिल्ली या लखनऊ कब पहुँचेगी, या कलकत्ता कब पहुँचेगी, पटना कब पहुँचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि शाहजहाँपुर के नेता सब मिल करके भविष्य में चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे। लोक जागरण अभियान के तहत यहाँ से आज हरदोई तक पूरे रथ यात्रा भी निकलेगी लोगों का पीछे अभी से इकट्ठा। रथ यात्रा नहीं है ये हमारा रथ है जो बहुत दिनों से खड़ा रहता है, तो इसको चलाते रहना चाहिए। तो अब इस शिविर के बाद हम लोग इसी से चलेंगे, जिससे सब नेताओं को बैठा ले। जो हमारा साथी पूछ रहा था कि शिविर का लाभ क्या हुआ, अब इस रथ में सब नेता बैठ जाएंगे, अपनी जो कुछ दूरियां होगी वो खत्म कर देंगे। मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ संगठन की जो महिलाएं हैं वो कोई अभियान ऐसा चलाएं जिससे महिलाओं को और लड़कियों को जोड़ा जा सके, छात्राओं को। तो मुझे उम्मीद है यहाँ का संगठन हमारा अभियान चला करके जोड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, बीजेपी जो लेकर के आई है बिल, क्या मध्य प्रदेश में 33% दी है सीटें? क्या छत्तीसगढ़ में 33% सीटें दी हैं? क्या तेलंगाना में 33% दी हैं? जो लोग नए लोकसभा में ये बिल लेकर के आए हमारे महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है दोनों पार्टियों ने? तो ये स्कैम में आना ना आना एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में, क्या वहाँ पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने या अन्य दलों ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? आजम खान साहब के साथ अन्याय हो रहा है, और इतना ज़्यादा अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं हुआ होगा। मैं सबसे पहले
शाहजहांपुर के अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को जो पिछले दो दिन से आज और कल लगातार रह करके समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने बहुत जानकारी आपको दी है, मैं ये जानता हूं कि ज्यादातर लोगों ने उनको सुना होगा। ये अलग बात है कि आखिरी में जब अटेंडेंस ली गई तो थोड़े कम थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने सुना यहां पर। और आज जो सुबह से सुन रहे होंगे, जिन्होंने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को सुना होगा, बहुत सी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे आपके सामने चुनौती क्या है, कितनी लंबी लड़ाई है हमारे सामने। शाहजहांपुर वो ऐतिहासिक धरती है जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद की, और जो लोग शाहजहांपुर के इतिहास को सही तरीके से जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैनपुरी से कितना पुराना रिश्ता यहाँ के क्रांतिकारियों से रहा। जो लोग इतिहास के पन्नों में मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी को पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि सबसे पहली लड़ाई और उस समय क्रांतिकारियों को तैयारी करने के लिए और क्रांतिकारी तैयार हों उसके लिए दल बनाने के लिए अगर कोई उस समय लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था तो गैरालाल दीक्षित जी ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्हीं के साथ हमारे आपके शहीद जिनको हमेशा हम लोग याद करते हैं रामसाहब बिस्मिल, उन्हीं के साथ रह करके मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला केस लगा था। और आजादी की लड़ाई में अपनी जान निछावर करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को हम लोग नहीं भूल सकते। उनके साथ साथ न जाने कितने क्रांतिकारियों ने जान दे दी आजादी की लड़ाई में, अपनी जान निछावर कर दी, शहीद हो गए। उसके बाद हम लोगों को ये अपना आजाद भारत मिला। मैं अपने नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान की शपथ दिलाई और यह शपथ जो हमने प्रस्तावना की ली है यही संविधान की हमारी मूल भावना है। कैसे गैर बराबरी खत्म हो, कैसे राजनीतिक आर्थिक रूप से गैर बराबरी खत्म हो, और जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, आज सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी पर है तो वो हमारे संविधान का। और याद रखिए समाजवादी साथियों, जिन्होंने सुना होगा, अखबार पढ़ते होंगे, जिन्हें जानकारी होगी, ये बात कोई हवा हवा नहीं है, हवा हवाई बात नहीं कही गई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई तो हो सकता है हमारे आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन ले। इस बार 24 में अगर आ गए तो जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया एक वोट का, ये भारतीय जनता पार्टी वो वोट का अधिकार भी छीन लेगी। अगर अधिकार हमारा छीन गया तो सोचिए क्या हम सरकार बदल पाएंगे, क्या हम लोग परिवर्तन ला पाएंगे, क्या हम बड़ा बदलाव कभी कर पाएंगे। इसलिए हमारे आपके सामने जहां चुनौती है वही बहुत लंबी लड़ाई है जिसको हम लोगों को जीतना है। वैसे तो हम लोगों ने जब चुनाव के समय पर चुनावी जनसभा देखी थी और यहां पर जितना कार्यकर्ता जितना बैठा है वो सब चुनावी सभा में आया होगा, जब मंच पर मैं बोलने आया तो मैंने देखा था पूरा मैदान भरा पड़ा था, जन सैलाब था, और शायद शाहजहांपुर की धरती ने इतना बड़ा जन सैलाब एक जगह कभी नहीं देखा था
जितना उस समय 22 के चुनाव में जल सैलाब के समर्थन जुटा था। और उस समय लगा कि समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, सबकी सब सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम जब हम लोगों ने देखा तो हमारी समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला, हम शून्य रह गए। जो लोग जीत रहे थे वो हरा दिए गए। ये विधायक राजेश यादव जी बैठे हैं, उनके 6 के लोग भी बैठे होंगे, उनका रिजल्ट भी आप जानते होंगे। आपने तो जिता दिया, लेकिन बताओ प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया कि नहीं हरा दिया? वो जीत गए लेकिन हरा दिया। इसी तरह नीरज मौर्य, अगर हमारा ही साथी किसी और दल में न गया होता तो बताओ नीरज मौर्य जीत गए होते कि नहीं जीत गए होते? नीरज मौर्य आज विधायक होते, राजेश यादव विधायक होते और ये हमारे तनवीर, ये तनवीर लगातार लड़ रहे हैं। और 9 बार के विधायक का मैंने क्षेत्र देखा है बोधन से, 9 बार के विधायक का, ये जो 9 बार विधायक रहे हैं इस जिले में 3 कैबिनेट मंत्री हैं और पहले ये नगर विकास मंत्री थे और आजकल पूरे खजाने का कब्जा है इनके पास। आपने सड़कें देखी कैसे सड़कें हैं? सड़कें देखी है आपने? मैंने पूछा हमारे साथ जयेश जी बैठे हुए थे, हमने कहा बताओ शहर देख नहीं पाए, ये पता नहीं कहां बाईपास से मुझे लेके जा रहे हैं। ये बाईपास से इसलिए लेके जा रहे हैं कि आप जल्दी पहुंच जाओ, अगर शहर से गए होते तो आप अपने होटल में नहीं पहुंच पाते, ये हालत है शहर की। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगाया और उन्होंने आह्वान किया कि स्वच्छ भारत अभियान में सब जुड़ जाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जहां कहीं भी झाड़ू मिला वो झाड़ू लगाने लगे, हर जगह झाड़ू लगाया। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के यहां के नेताओं क्या हो गया, उन्होंने शाहजहांपुर में झाड़ू नहीं लगाया। अभी जब मैं तनवीर जिला अध्यक्ष के घर से बाहर निकला मैंने ढेरों कूड़ा देखा, इतना कूड़ा देखा जिसकी आप और हम लोग कल्पना नहीं करते। बताओ शहर में हर जगह कूड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं? और कूड़े को खाते हुए जानवर देखे कि नहीं देखे? और एक जानवर तो लखनऊ से जैसे ही निकले हम शाहजहांपुर तक हमें वो जानवर डिवाइडर भी दिखाई दिए। ये जो साथी गांव गांव से निकल करके आए होंगे बताओ सड़क या सड़क के किनारे की टकराते हुए दिखाई दे? कोई डिवाइडर नहीं बचा है जहां पर वो जानवर में दिखाई देते हो। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को सांडों से कौन सा प्रेम है। यही इनका स्वच्छ भारत है, सोचिए। अगर हम शाहजहांपुर को देख ले, ये वो मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री को कभी कभी भूलने नहीं देते, पूरे खजाने का उन पे हिसाब किताब है। और इनका शहर देखो तो सड़कों में गड्ढे और कूड़ा और बिजली कब आती होगी, कब चली जाती होगी, और जब बिजली का बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता? और जो बिजली आ रही है मैं फिर दावा करके कह के जा रहा हूं आपको, जो आज उत्तर प्रदेश में बिजली उपलब्ध है वो नेताजी और समाजवादियों की देन है।
अगर नेता जो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में इतने बिजली के कारखाने नहीं लगाए होते तो शायद उत्तर प्रदेश में गरीब किसान को इतनी जमीन इतनी बिजली नहीं मिलती। जैसे ही शाहजहांपुर में घुसा मैं, इधर बहुत सालों के बाद में आया हूं, मैं जैसे ही शाहजहांपुर में घुसा हूं, मैंने देखा सबसे ऊंची चिमनी हमें दिखाई दी, ऊंची ऊंची चिमनी दिखाई दी, यही रोजा पावर प्लांट का ऊंची ऊंची चिमनी। बताओ किसकी देन है ये चिमनी? बताओ नेताजी की देन है कि नहीं है? सबसे ऊंची चिमनी और ये जो बिजली बन रही है पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश को भी बिजली मिल रही है, अगर किसी की देन है तो नेताजी और समाजवादियों की देन है। याद होगा जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे, एक आपके शाहजहांपुर का बहुत पिछड़ा इलाका, वो जुड़ाई नहीं है, कितना घूम के जाना पड़ता है, ये हमारे साथी जानते होंगे उस जगह का नाम अपोल का, तो जो कहां घूम करके जाना पड़ता था। सुना है जब से खंबा टूटा है उसका पिलर टूटा अभी तक ठीक नहीं कर पाए, जो पिलर टूटा सरकार डबल इंजन वालों की, दो सरकारें लेकिन आज भी पुल नहीं ठीक कर पा रहे हैं। बताओ हमारे गांव के लोगों को कितनी तकलीफ और परेशानी होगी, कहां से घूम करके जाते होंगे, कई सौ किलोमीटर चल करके जाना पड़ता होगा, और ये जो सड़क बनी है एक्सप्रेस वे, ये ऐसी एक्सप्रेस वे बनी है कि दिल्ली से कोई चलेगा तो उसे ज्यादा से चलना पड़ेगा। मैंने पूछा सदन में कि कोई एक्सप्रेस वे बनता है तो एक जगह से दूसरी जगह को सीधा जोड़ने के लिए पहुंचाया जाता है, सीधा पहुंच जाए इसलिए एक्सप्रेस वे बनता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मंत्री जी ने अपना अलाइनमेंट बदल दिया, अलाइनमेंट शाहजहांपुर की तरफ ले आए। तो मैंने जब सदन में पूछा तो सोचो हमारे साथियों ने सुना होगा क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, क्या फरक्काबाद वाले चूसे रहे गन्ना और धन ले गए खन्ना। ये कौन सा धन लिया जा रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक्सप्रेस वे बने अच्छी बात है और शायद समाजवादियों से अच्छा बने, जो समाजवादियों ने बनाया उससे अच्छा बने तो और अच्छी बात है, लेकिन ये धन कौन ले जा रहा है? और ये ऐसा हाईवे है, ये सरकार का हाईवे नहीं है, इस गलत फहमी में ना कोई, ये सरकार का हाईवे नहीं है, ये प्राइवेट हाईवे है, ये किसी को दे दिया गया है, किसी उद्योगपति को दे दिया गया, वो हाईवे है। हम लोगों ने तो एक्सप्रेस वे हाईवे से बनाया कि हमारे आम लोगों को फायदा हो, हमारे किसान और गरीबों की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उसके लिए हाईवे बनाया, लेकिन बीजेपी हाईवे जो बना रही है वो उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उसके लिए एक्सप्रेस वे बन रहा है। और जो लागत का हिसाब किताब लगाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो हिसाब किताब कभी कोई सदन में लगाते थे कि देखिए हमने सस्ता बनाया है, लेकिन कभी हिसाब किताब लगाओगे अगर सबसे ज्यादा लूट किसी सरकार में हुई है एक्सप्रेस वे के नाम पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे जो आपके यहां से बन करके जा रहा है। पता नहीं कब बनेगा, जब बनेगा तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी के लोग बताएं डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है, बताइए साथियों आपने तो डीजल पेट्रोल खरीदा होगा, क्या कीमत है आज? और जो लाल वाला सिलेंडर कहां पहुंचा दिया, सुनने में आ रहा कि दिवाली पर फ्री देने जा रहे हैं, ये दिवाली में इसलिए फ्री देने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ गया, पहले होली दिवाली निकल गई, उसका हिसाब किताब कहां है? है कहीं हिसाब किताब उनके पास? और कह रहे थे
क्या इन्वेस्टमेंट आएगा उत्तर प्रदेश में? इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बड़े बड़े आयोजन किए लखनऊ में, उद्योगपतियों को बुलाया गया कि कारखाने लगेंगे, उद्योग लगेंगे। बताओ शाहजहांपुर और पीलीभीत आसपास के लोगों, अगर कोई बड़ा कारखाना लग रहा हो जिसमें हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गया हो तो बता दो। नौकरी रोजगार नहीं, और सरकार से पूछो कि बताइए यहां बेरोजगारी बढ़ गई, तो हमारे मुख्यमंत्री तो इतना पढ़े लिखे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कहां से डिग्री मिलती है योगी वाली, ये पता ही नहीं है। अगर हमारे सिविल को पता लग जाए कि योगी वाली डिग्री किस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज में मिलती है, तो हो सकता है हमें बहुत सारे साथियों को पकड़ना पड़ेगा कि वहां मत जाओ, यही रहो। कोई जानता है कहां मिलती है डिग्री? और जब हम लोगों ने नौकरी रोजगार के बारे में पूछा तो सरकार कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार है। यहां मनोज पांडे जी भी बैठे हैं सदन में। हम लोगों ने पूछा कि बताओ कौन सा हिसाब किताब लगा रहे हो आप, कि जहां आप कहते हो कि 100 में 4 बेरोजगार है, बताओ शाहजहांपुर के लोगों, क्या ये हम ये बात मान ले सरकार की 100 में केवल 4 बेरोजगार है? और सच्चाई तो ये है कि किसी गांव में चले जाओ, किसी कस्बे में चले जाओ, हमारा 90% नौजवान रोजगार और बिना नौकरी के रहता आया है। और फिर क्या सरकार कहती थी कि नौकरी केवल यादवों को मिल जाती है, मुसलमान भाइयों को मिल जाती है। और बोलते बोलते हमारे मुख्यमंत्री जी कौन सी भाषा बोल गए, इनकी सरकार में 46-56 हो जाते। बताओ हमारे मुख्यमंत्री कितने जानकार है कि 46-56। हमने पूछा कि वो सूची का है 46-56 वाली, आज तक नहीं मिली 46-56। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम यहाँ के लोग दे दे, यहाँ के मंत्री घूम रहे 46-56 कौन भरोसा करेगा? और जो नौकरियां मिल रही हैं, आप जानकारी कर लेना, इतना भ्रष्टाचार कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। चाहे किसी विभाग में नौकरी आप देख लेना, जितने भी नौकरी पाए हैं उनसे कुछ ना कुछ हिसाब किताब सरकार ने मांगा या कुछ लोगों ने वसूल लिया, तब जाकर के उन्हें नौकरी मिली। अभी CBI हुई है, विधानसभा विधान परिषद की नौकरियों में CBI हुई है, भागते फिरे सुप्रीम कोर्ट सरकार के लोग। सोचिए सरकार का जब पर्दाफाश होने लगा तो सरकार के बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट भागे और कहा कि विधानसभा विधान परिषद की नौकरियों की CBI जांच नहीं करे। कभी सूची निकलवाना विधानसभा विधान परिषद में किन लोगों को नौकरी दी है लोगों, और जो विभागों में नौकरियां बन रही है बिना पैसे के किसी को नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको हमको सावधान रहना पड़ेगा। समाजवादियों ने अगर पुलिस भर्ती की थी तो हम लोगों ने पुलिस भर्ती में केवल नंबर मांगे थे नौजवानों के, 10वें 12वें के नंबर ले आओ और दौड़ के दिखा दो, आप भर्ती हो जाओगे, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ऐसा इंतजाम किया था, और वो इंतजाम इसलिए किया था कि कई बार नौजवानों के सामने खिलवाड़ जाती उनकी भविष्य की। आज जो नौकरियां हैं, नौजवानों को नौकरी चाहिए। बताओ नौकरियां हैं कहां पर, रोजगार कहां है? और जो आउटसोर्स की व्यवस्था है वो बताओ आपके हमारे अधिकारों को छीन रही कि नहीं छीन रही? ये जो आउटसोर्स की व्यवस्था है ये परमानेंट नौकरी नहीं है, ये आधी अधूरी नौकरी है। अभी तक जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स था, ये जो अग्निवीर है, जो फौज की भर्ती है, बताओ आउटसोर्स से कम है क्या? ये अग्निवीर की भर्ती भी आउटसोर्स जैसी है। और अभी पहला नौजवान शहीद हुआ 19 साल का नौजवान शहीद हुआ, उसे कोई सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिला, न शहीद का दर्जा मिला। और जब वो आया
तो कोई सरकारी लोग नहीं आए थे, फौज के लोग उसके घर छोड़कर नहीं आए थे, एक प्राइवेट एम्बुलेंस उसके घर परिवार में उसको छोड़ करके चली गई। सोचो ये कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देशभक्त हैं। लोग जो लोग देशभक्त हैं वो अग्निवीर जैसी टेम्परिंग नौकरी नहीं देंगे। और मैं कहना चाहता हूं जो सच्चे राजभक्त होंगे वो पहली जैसी हमारे नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और मैं समाजवादी साथियों से नौजवानों से कहना चाहता हूं, जैसे पहले फौज की भर्ती होती थी वैसी फौज की भर्ती होगी तब हम उसे मानेंगे पक्की नौकरी, वरना उससे पहले हम अग्निवीर को पक्की नौकरी नहीं मानते। इसलिए लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबी लड़ाई है। हमें आपको हर चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, हर तरह की परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम कार्यकर्ता नेताओं से कहना चाहते हैं कि हमारी आपकी बहुत लंबी लड़ाई है, हमारे मंच की लड़ाई, आपस की लड़ाई तो हम लोग जब चाहेंगे तब खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर हम 24 छूट गए तो इसकी भरपाई कभी नहीं होगी। ये याद रखना साथियों, मैं ये जानता हूं कि जो कुछ थोड़ा बहुत आपसी दूरियां हैं वो मंच पे तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे गांव में रहने वाले कार्यकर्ता और साथी के अंदर कहीं दूरी नहीं है। इसलिए हमारे तमाम साथियों से अपील है कि ये चुनाव 24 का चुनाव अपने भविष्य का चुनाव समझना, आने वाली पीढ़ी का चुनाव समझना। और इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, ये शाहजहांपुर की धरती, ये शहीदों की धरती रही है, यहाँ के तमाम मनगृहित लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान तक निष्ठावर कर दी। इसलिए संविधान बचाने की भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है, संविधान बचेगा तो हमारा आपका भविष्य भी बचेगा। ये जो शिविर चल रहे हैं ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारे कार्यकर्ता जागरूक हो चीजों को लेकर, कि हम लोग कितने जागरूक हैं। हालांकि हम लोग गठबंधन के हिस्से हैं, इंडिया गठबंधन के हिस्से, लेकिन याद रखना हमारा और आपका कोई रास्ता निकाल सकता है तो वो पीडीए है, पीडीए के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम अपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई और अरणों का साथ लेकर के चलेंगे तो एनडीए का मुकाबला हमारा पीडीए कर ले जाएगा, कोई मुकाबला नहीं। जो इतना हम लोग अगर करना चाहेंगे तो ये जो पीडीए है यही हराएगा एनडीए को, एनडीए की हवा खराब है पीडीए से। और जो लोग थोड़ी बहुत साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों को कितनों से मुकाबला करना है। याद कीजिए सपा बसपा का भी अलायंस हुआ लेकिन बीजेपी बाजी मार गई, क्योंकि हम लोग बूथ और गांव में तैयार नहीं थे।